Good morning, all of you. Myself Simna Kashyap, and I'm from MDM Children Academy. Welcome to class first. Today I will teach English grammar chapter 4. So आपको याद होगा chapter 4 इसे हम continue रखेंगे जहाँ पे हमने इसको छोड़ा था I, you, she, he, it, we, they pronouns के बारे में. जैसे कि मैंने आपको हम थोड़ा सा remind करते हैं इस चीज़ को कि I किसके लिए use करते हैं हम अपने खुद के लिए. You किसके लिए use करते हैं जब हम किसी person से बात कर रहे होते हैं और जब हम एक से ज़्यादा person के लिए बात करें तो हम you का use करते हैं. She का use किसके लिए होता है? Girl और woman के लिए. He का use boy और man के लिए. आज हम बात करेंगे use of it, we, they. अब हम देखो यहाँ से पढ़ते हैं इसको. वी यूज़ इट फॉर नॉन लिविंग थिंग्स, बेबीज एंड एनिमल्स. हम इट का यूज़ किसके लिए करते हैं? नॉन लिविंग थिंग्स. नॉन लिविंग यानी कि जो जीवित नहीं होती, लाइक दिस पेंसिल. अब इसमें कोई जान तो है नहीं, तो ये नॉन लिविंग थिंग है, तो इसके लिए हम किसका यूज़ करेंगे? इट का. ओके, बेबीज. बेबीज यानी छोटे बच्चे होते हैं, उनके लिए हम इट का यूज़ करते हैं. एंड एनिमल्स, एनिमल्स लाइक डॉग, काओ, कैट, कुछ भी, तो उनके लिए हम किसका यूज़ करते हैं? इट का. देखो अब हम बात करते हैं वी. We use we when we talk about ourselves along with someone else. हम we का use किस कब करते हैं? जब हम खुद के बारे में, when we talk about ourselves, जब हम खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, along with someone else, और हम जब हम किसी किसी के साथ होते हैं और खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं ना, तब हम we का use करते हैं. For example, जैसे आपसे पूछा जाता है कि आप लोग play period के लिए जाए पार्क में, तो क्या एक बच्चे से पूछा जाता है? आप लोग कहते हैं ना, नहीं मैम हम लोग तो गए ही नहीं, हम लोग. तो हम लोग में आप खुद भी आते हो और आपके साथ पूरी क्लास भी आ गई. तो जिस चीज़ में आप खुद हो और आपके साथ कोई और भी हो तो वो होता है वी. क्या होता है वी? अब वी का एग्जांपल हम यहाँ देखते हैं. जैसे कि ये देखो एग्जांपल, जयेश इज़ माय बेस्ट फ्रेंड. ये जयेश है, ये मेरा बेस्ट फ्रेंड है. वी स्टडी इन द सेम स्कूल. अब देखो ये बच्चा अपने बारे में बात कर रहा है कि ये जयेश है, ये मेरा फ्रेंड है और हम दोनों सेम स्कूल में स्टडी करते हैं. इसमें ये खुद भी आ गया बच्चा और इसके साथ इसका फ्रेंड भी आ गया, तो ये वन से ज़्यादा है ना, तो इसके लिए हम इसका किसका यूज़ करेंगे? वी का. किसका यूज़ करेंगे? वी का. अब हम देखते हैं यूज़. वी यूज़ दे व्हेन वी टॉक ऑफ पीपल थिंग्स दैट आर मोर देन वन. दे का यूज़ हम कब करते हैं? व्हेन वी टॉक ऑफ पीपल और थिंग्स, जब हम पीपल और थिंग्स के बारे में बात करते हैं, दैट आर मोर देन वन, जो एक से ज़्यादा हो, जो एक से ज़्यादा हो. लाइक दे का यूज़ हम तब करेंगे जब हम किसी पीपल या थिंग के बारे में बात करते हैं लेकिन उसमें हम खुद इन्वॉल्व नहीं होंगे. जैसे कि ये एग्जांपल देखो, ये जो लड़की है ना, ये लड़की इनकी तरफ मतलब साइन करके कह रही है दे आर माई नेबर्स, कि ये देखो ये वन से ज़्यादा है. ठीक है, 1 2 3 4 5 5 है टोटल, तो वन से ज़्यादा ही. और इसमें लड़की खुद बात कर रही है कि लेकिन इसके इनके साथ ये इन्वॉल्व नहीं है. दे आर माई नेबर्स, ये लड़की इशारा करके कह रही है ये लोग मेरे नेबर्स हैं. नेबर्स मीन्स पड़ोसी हैं, ये लोग मेरे क्या हैं? पड़ोसी. तो वी का यूज़ तब करते हैं हम जब खुद के बारे में बात कर रहे होते हैं, जब हम किसी के साथ होते हैं. और दे के बारे में, दे का यूज़ हम तब करते हैं जब हम किसी और के बारे में बात करें जो एक से ज़्यादा हो. समझ आ रहा है आप लोगों को? इसी तरीके से हमारा ये चैप्टर यहाँ पे फिनिश होता है. द यूज़ ऑफ आई, यू, शी, ही, इट, वी, दे. मैं आपको वापस रिमाइंड करवा देती हूँ, आई का यूज़ हम खुद के लिए करते हैं, यू का यूज़ हम जब किसी से बात कर रहे होते हैं, खुद के बारे में नहीं किसी और से बात कर रहे थे तब हम यू का यूज़ करते हैं, शी का यूज़ गर्ल और वुमेन के लिए, ही का यूज़ बॉय और मैन के लिए, इट का यूज़ करते हैं हम थिंग्स, बेबीज और एनिमल्स के लिए, वी का यूज़ करते हैं, वी मीन्स हम, हम में अपने खुद भी आ गए और दूसरे भी आ गए अपने साथ, और दे का यूज़ की दे मतलब वे, वे मतलब कि जो एक से ज़्यादा हो और जिसमें हम नहीं हो लेकिन दूसरों के बारे में जब हम बात करते हैं तब हम यूज़ करते हैं दे का. तो इसी के साथ हमारा ये चैप्टर फिनिश होता है यहाँ पे.